हेलो यार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रैक मेडिको। जैसा कि हम लोग लॉ ऑफ मोशन का वीडियो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज लास्ट लेक्चर हम लोग को देखना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स के बारे में, है ना। स्यूडो फोर्स जिसको जो है हम लोग बोल सकते हैं, नकली फोर्स होता है, फेक होता है, इमेजनरी फोर्स होता है, मतलब वो लगता तो है लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, है ना। जैसे आप बोल सकते जाके कि मतलब कभी कभी जो है रूम में दरवाज़ा खुल जाता है और हवा के कारण, लेकिन पता नहीं चलता कि भाई कैसे खुल गया, है ना। तो स्यूडो फोर्स भी हमारा वैसे ही होता है ना। वो सिर्फ हमको फील होता है, बट वो एक्चुअल में फोर्स होता नहीं है। उसके पहले जो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर 4 तक वीडियोस ना देखी हो लॉ ऑफ मोशन की, प्लीज़ आप लोग इस यूआरएल पे जाएं, www.com/c/crackmedico। इसमें आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा लॉ ऑफ मोशन का, उसमें जो है आपको लॉ ऑफ मोशन के सारे वीडियोज जो है आप लोग को मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो के बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग की आने वाली है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जरूर आप लोग अच्छे से देखिएगा। उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो को, कि स्यूडो फोर्स आखिर होता क्या है ना, स्यूडो फोर्स की ज़रूरत पड़ी क्यों, है ना। तो जैसे आपका जो न्यूटन का सेकेंड लॉ था, है ना, सेकेंड लॉ जो है वो 100% जो है आपका करेक्ट नहीं था, है ना। 100% करेक्ट क्यों नहीं था, क्योंकि ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा था कि कहाँ से हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख रहे हैं, है ना। यानी कि ये डिपेंड करता था किस पे, ये डिपेंड करता था हमारा ऑब्जर्वर पे, डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर, है ना। तो मोस्टली उन्होंने जितने सारे क्वेश्चन किए थे, चाहे वो पुली मास सिस्टम के क्यों हो या ब्लॉक वाले क्यों, हमने सब जगह से क्या है, ग्राउंड से जो कि रह के सारा ऑब्जर्वेशन किया था। जैसे सपोज सिंपल सा मान लीजिए, डिपेंड ऑफ ऑब्जर्वर का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका क्या है, अगर एक्सेलेशन जो है वो आपका ज़ीरो था, है ना, एक्सेलेशन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या था, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट थी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो इस केस में जो है आपके एनएलएम के जितने भी फॉर्मूले थे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के, वो सारे वैलिड हो रहे थे। बट अगर सपोज डेट मान लीजिए आपका एक्सेलेशन जो है वो जीरो नहीं है, है ना, जब एक्सेलेशन जीरो नहीं होगा यानी कि वेलोसिटी वेरी कर रही होगी, वेलोसिटी भी जीरो नहीं होगी, तो इस केस में जो है दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। ये होता है हमारा इनर्शियल फ्रेम और ये होता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल, है ना। तो ये चीज़ जो है क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये कंडीशन किस केस में होती है। तो अगर आपका एक्सेलेशन जीरो है और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, और अगर हमारा एक्सेलेरेशन जो है वो जीरो नहीं है और वेलोसिटी जो है वो वैरी कर रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस ऑफ फ्रेम। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से, जो हम लोगों ने पहला किया हुआ है। मान लीजिए जैसे उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में नहीं पूछा जो पूछना चाहिए था, बट उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ये दो आपके ब्लॉक हैं, है ना, ये ब्लॉक M1 है, ये ब्लॉक का M2 है, ये आपकी पुली। अब क्या हुआ, हमने ऑब्जर्वर को कहाँ रख दिया, ऑब्जर्व किया हमने ग्राउंड से। अब ये क्वेश्चन जो है पूछ सकते थे आप लोग कि भाई जब ग्राउंड से रख रहे हैं तो ग्राउंड यानी कि अर्थ, है ना, तो अर्थ जो है वो अर्थ तो आपकी क्या हो रही होगी, रोटेट कर रही होगी यानी कि रिवॉल्व कर रही होगी, जो हम लोग ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, है ना। जब अर्थ रिवॉल्व करेगी तो क्या होगा, आपका वेलोसिटी जो होगा वो जीरो नहीं होगा। जब वेलोसिटी जीरो नहीं होगा तो एक्सेलेरेशन जो है आपका जीरो नहीं होगा, यानी फिर ये तो जाके नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों होता है, बिकॉज जो ये वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी आपकी इक्वल टू लगभग जीरो के बराबर होती है, इसीलिए जो है ग्राउंड पे जितने भी हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं उनको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के करते हैं। इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल की तरफ से आप लोगों को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जो मोशन ऑफ कंस्टेंट पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लिफ्ट विफ्ट के बारे में पढ़ा था, अब मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका ये ब्लॉक इस तरीके से लटका हुआ है एम मास का, ठीक है। मान लीजिए पहले केस में क्या हुआ, ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे है, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, आपका ऑब्जर्वर जो है इस तरीके से, आपका ब्लॉक एम है और ऑब्जर्वर आपका यहीं पे बैठा हुआ है। जब ऐसा होगा तो इस पर जो है वेट एम जी आपका डाउनवर्ड लग रहा होगा और इस पर थ्रेड में टेंशन टी अपवर्ड लग रहा होगा। और मान लेते हैं ये हमारा जो है ये एक्सेलेरेशन ऊपर से जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा आपका एम जी प्लस ए। अब इस केस में आते हैं,
इस केस में क्या होगा, जब ऑब्जर्वर इनसाइड है, यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो इनसाइड है, अगर ऑब्जर्वर इनसाइड होगा तो उस केस में क्या होगा, ये तो मूव कर नहीं हो रहा होगा कहीं पे, यानी कि ये तो रेस्ट में होगा। जब रेस्ट में होगा तो इस पे सिर्फ क्या लग रहा होगा, वेट एम जी डाउनवर्ड लग रहा होगा, टेंशन टी लग रहा होगा, यानी कि टी बराबर सीधा का सीधा किसके बराबर आ जाएगा, एम जी के। यानी कि यहाँ से पता क्या चला हमको कि टेंशन जो है वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। यानी यहाँ पे जो है हम लोग नोट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एक नोट डाल सकते हैं कि टेंशन डज नॉट डिपेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, यानी कि जो हमारा टेंशन है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अब इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी आपको लोग याद रखनी कि जो भी हमारा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे वो सारे हमारे कैसे थे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे थे, ठीक है। तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि दोनों फोर्स जो है वो बैलेंस होने चाहिए, अगर यहाँ से एम जी आ रहा है तो यहाँ से भी एम जी प्लस ए आना चाहिए, या फिर अगर यहाँ से एम जी आ रहा है तो यहाँ पे भी एम जी आना चाहिए, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो है आपका स्यूडो फोर्स आया था, ठीक है। तो स्यूडो फोर्स होता है क्या आपका, स्यूडो फोर्स इक्वल टू होता है माइनस माइनस एम इंटू ए। ओके, ए क्या होता है आपका, ए होता है आपका ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन, ए होता है हमारा ऑब्जर्वर का एक्सलेशन, और एम क्या होता है भाई, एम होता है ऑब्जेक्ट का मास। अब ये तो भाई सब ठीक है, लेकिन ये निगेटिव साइन क्या है ना। अब कुछ लोग तो कह रहे होंगे निगेटिव है तो है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। निगेटिव साइन जो है आप लोग को क्या डिनोट कर रहा है, कि जो एक्चुअल एक्सलेशन को क्या करेगा, एक्चुअल एक्सलेशन के अपोजिट में लगता है ये, इसलिए जो है आपका निगेटिव साइन है। जैसे इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल की तरफ हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो है आपका एक लिफ्ट है मान लो, अब लिफ्ट में जो है आपका एक पेंडुलम जैसा बॉब लटक रहा है, और ऑब्जर्वर हमने क्या किया, इसके अंदर ही बैठा दिया है ना, बहुत ये कूद रहा था। हम अभी दोनों तरह से करके आपको दिखाएंगे कि अंदर बैठा हो तो क्या होता है, बाहर बैठा हो तो क्या करते हैं, है ना। जैसे वैसे होता है ना जाके कि हम लिफ्ट के अंदर बैठ के जो है, अगर ये ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर ही होगा तो क्या होगा, ये आपको कहीं पे मूव करता नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो जब ये मूव करता नहीं दिखेगा, जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो इस तरीके से जो एक्सेलेरेशन इधर हो रहा होगा, ठीक है। तो जब इधर तरफ जाएगा ये तो क्या होगा, ये आपका बॉब जो है वो थोड़ा सा इस तरीके से मूव कर जाएगा। जब इस तरीके से होगा तो आप इसको डिनोट आप कैसे करेंगे, इस मास के कारण फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो वेट एम जी तो डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, और ये आपका क्या होगा, थीटा एंगल होगा, तो वेट एम जी डाउनवर्ड काम कर रहा होगा, और साथ में ही इस तरीके से आपका कुछ लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपका ये वेट एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, और टेंशन जो है जब आप रिजॉल्व करेंगे, ये आपका टेंशन लग रहा होगा, तो टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, तो इधर आपका टेंशन, ये आपका एम ए अब जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्यों, क्योंकि आपका मोशन इधर हो रहा है, तो स्यूडो फोर्स हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और ये आपका हो गया टी साइन थीटा, और टेंशन का ऊपर कंपोनेंट हो गया टी कॉस थीटा। तो यहाँ से जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो सीधा का सीधा निकल के आ जाएगा टी साइन थीटा बराबर एम जी के, सॉरी टी साइन थीटा आ जाएगा आपका एम ए के बराबर, और टी कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आपका एम जी के। अब दोनों को जब आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों को अगर आप डिवाइड कर दें तो टी से टी कट गया, एम से एम कट गया, यानी कि आपका टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ए अपॉन जी, यानी कि थीटा अगर कोई पूछे तो क्या जाएगा, टेन इनवर्स ए अपॉन जी। ये आपका निकल आया कब, जब आपका ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा हो। अब देखते हैं अगर ऑब्जर्वर मान लीजिए इसके अंदर ना बैठा हो, आपका ऑब्जर्वर कहाँ हो, बाहर कूद मचा रहा हो, जब बाहर आपका ऑब्जर्वर कूद मचा रहा होगा, ये मान लीजिए इस तरीके से आपका एम मास है और ऑब्जर्वर यहाँ पे ग्राउंड पे, जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होगा तो ये एक्सेलेरेशन से इस तरीके जा रहा होगा, तो ये थोड़ा सा डाइवर्ट होके यहाँ पे आएगा। जब ऐसा होगा तो उस केस में क्या हो रहा होगा, ये आपको मूव करते नहीं दिख रहा होगा, तो इस पर सिर्फ दो ही फोर्स होंगे, एक आपका वेट एम जी होगा, और दूसरा जो है आपका टेंशन के कारण जो है डिजॉल्व करेंगे तो आपका टी साइन थीटा जो है वो इधर हो जाएगा, और टी कॉस थीटा ये हो जाएगा।
तो अब इक्वेशन अगर आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का, तो टी साइन थीटा बराबर मास इंटू एक्सेलेशन, और टी कॉस थीटा बराबर किसके हो जाएगा, एम जी के। तो आप दोनों से सॉल्व करेंगे तो आपका टेन थीटा बराबर निकल के क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा आपका ए अपॉन जी के बराबर। ठीक है, तो ये जो है स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट थे, तो जो आपको अच्छे से समझने थे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और स्यूडो फोर्स के क्वेश्चन को भी और अच्छे से देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, उसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें, और वीडियो कैसी लगी है वो भी आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि उसमें अगर कोई चेंजेस करने हो तो भी मैं और अच्छे से कर सकूँ। ओके, थैंक्स टू ऑल।